तेरी शरण जो आया माँ वो पार हो गया, बस नाम तेरा लेने से उद्धार हो गया। यमराज और शनिचर उसको मातापती दर्श जी से एक बार हो से सूर्य देव के बाहों में अठखेलियां करते हुए ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए कहीं फूल खिलाती हैं, कहीं अन्न उगाती, जन जन जीवन का संचार करती हुई मुलतापी के गौमुख से निकलकर पूरे देश में भ्रमण करती हुई सूर्यपुर के अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। ताप्ती मैया की महिमा कितनी निराली है भक्तों, ये पापों को धोकर मुक्ति दिलाती हैं। मृत्यु सीमा पर पड़े मनुष्य के मुंह में यदि ताप्ती जल की दो बूंदे डाल दी जाएं, या भूलवश भी ताप्ती जल में मृत देह की अस्थि प्रवाहित हो जाती है तो उस मृत आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ताप्ती मैया सृष्टि आरंभ से निरंतर बहती चली आ रही है, ये कभी थकती है ना ही कभी विश्राम करती है, अब सबकी झोली सुखों से भरती रहती है। ताप्ती कहाँ से आई, कैसे आई और कहाँ जाती है, जो कथा भरी सभा में भगवान भोलेनाथ ने पुत्र कार्तिक को सुनाई, वही पावन ताप्ती मैया की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। साथ में जीवन लगे बिताने, यम मनु और यमुना उनकी
पर तप करने गई मंदिर को, ना ही डर था ना ही फिकर थी, अरे ना ही डर था ना ही फिकर थी, उसको किसी अंजाम की महिमा बड़ी निराली है, इनके पावन धाम की महिमा बड़ी निराली है, इनके पावन धाम की। संसार को गति दे रहे थे, उनके प्रचंड तेज से पृथ्वी पर तापमान और गर्मी इतनी बढ़ती गई कि धरती सूर्य के तेज से नष्ट हो रही है, पृथ्वी के हिमखंड भी पिघल पिघल कर पीछे हट रहे थे, अत्यधिक गर्मी से पृथ्वी की प्राण वायु पर असर पड़ने लगा, जिसके कारण सभी जीव ब्रह्मा जी में समाने लगे। सूर्य देव के तेज के कारण ब्रह्मा भी सृष्टि का पुनः निर्माण करने में असफल रहे। तब सभी देव और माँ पृथ्वी शिव शंकर महादेव के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। तब महादेव जी ने सभी से कहा, धरती का बढ़ता ताप हरेंगी, वो सबका कल्याण करेंगी, सबके पाप हरेंगी, आंखों में उम्मीद लिए और मन में लेकर आ, इतना सुनकर चले गए सब सूर्य देव के पास, सब देवों ने सूर्य देव के आगे सर को झुकाया, सबने मिलकर फिर उनको अपना दुख बतलाया, आपको रक्षा करना है अब, आपको रक्षा करना है अब, हम सबके सम्मान की महिमा बड़ी निराली है, इनके पावन धाम की महिमा बड़ी निराली है, इनके पावन धाम की। गर्मी और तापमान को रोकने के लिए सभी देवों ने सूर्य देव से प्रार्थना की और धरती माँ ने कहा, हे प्रभु, अगर आपने सृष्टि की रक्षा के लिए ताप्ती माँ का ध्यान नहीं किया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सबकी प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने अपनी पुत्री ताप्ती का ध्यान किया। प्रकट हुई माता शक्तिशाली, उनके तेज से चारों दिशाएं हो गई उजियाली, प्रथम नदी के रूप में माता पुति धरा पे आई, ताप हरा माने धरती का हर खुशियां लौट आई, सूर्य देव ने अपने तेज से इनको प्रकट किया है, से तापती मैया इनका जग में नाम हुआ है, देखो लाज रखी मैया ने, अरे देखो लाज रखी।
सबसे ही ताप्ती माँ को आदि गंगा भी कहते हैं, क्योंकि वही सृष्टि आरंभ में जल के रूप में धरती पर आई हैं। सभी नदियाँ उनका सेवन करती हैं, परंतु उधर जब भगीरथ जी की कठिन तपस्या से गंगा धरती पर नहीं आई, तब विष्णु जी ने पूछा कि हे देवी, आप ब्रह्मा जी के कमंडल से धरती पर क्यों नहीं जा रही हो? तो गंगा जी ने कहा, जी के पुराण सारे ग्रंथ चुरा कर लाओ। कापुति ग्रंथ न होने से उन्हें दुनिया नहीं जानेगी, धरती पे फिर सारी दुनिया गंगा तुम्हें मानेगी। तापुति माँ से झूठ बोल कर नारद ग्रंथ चुराए, गंगा जी तब आई धरा पे दुनिया महिमा गाए। तब से ही कम है धरती पर, तब से ही कम है धरती पर महिमा तापती नाम की। महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की, महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। ताप्ती का प्रभाव कम तो नहीं हुआ, पर लोग ताप्ती जी की महिमा ज्यादा न जान पाए। ताप्ती माँ को नारद जी द्वारा धोखे का पता चला तो उन्होंने कुष्ठ रोग का श्राप दिया और गंगा जी को अपने ही कुलवंश में वधु बनकर आगे का और उनकी वंश बेल ना बढ़ पाने का श्राप दिया। श्राप से भटकने के बाद नारद मुनि ने मूल तापी आकर ताप्ती माँ की 12 साल तपस्या की। जब ताप्ती माँ प्रसन्न हुई और उनके जल में स्नान करके नारद जी श्राप मुक्त हुए, उधर गंगा मैया को भी शांतनु से विवाह करके ताप्ती माँ की पौत्र वधु बनना स्वीकार करना पड़ा। आषाढ़ सप्तमी पर गंगा जी ताप्ती माँ के जल में सेवन करती हैं। समुद्र मंथन से निकली मदिरा जो राक्षसों ने वरुण देव को दी थी, और वरुण देव ने उस मदिरा का पान अगस्त मुनि के आसन पर किया, जिसे देखकर अगस्त मुनि ने वरुण देव को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप और पुत्र मुख देख मुक्ति का उपाय बताया। इन्हीं का ताप्ती जी के साथ विवाह हुआ। ताप्ती माँ से उस राजा की नजर, अरे मोहित हो गए ताप्ती माँ को पल में देख कर। राजा ने फिर ताप्ती जी से अपनी कही कहानी, फिर बोले करके विवाह बन जाओ मेरी रानी। ताप्ती बोली, मुझको पाना है तो ऐसा करो, मैं हूँ सूर्य पुत्री, मेरे पिता को प्रसन्न करो। अंतर ध्यान हुई है मैया, अरे अंतर ध्यान हुई है मैया, बातें करके कहा।
ताप्ती जी को पुकारते हुए बेहोश हो गए। फिर जब वो होश में आए तो उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उनका तप शुरू किया। इधर सूर्य देव ने संवरण के तप की परीक्षा ली। एक बार रात को संवरण ध्यान में मग्न थे, तब उनके कान में आवाज लगाई कि हे राजन, तू यहाँ किसका तप कर रहा है? उधर तेरी राजधानी आग से जल रही है, तेरा कुटुंब जल रहा है, तेरे नाम की बदनामी हो रही है। परंतु फिर राजा का तप नहीं टूटा। संवरण की दृढ़ता देखकर सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और प्रकट होकर संवरण को वर मांगने को कहा। फिर अपनी पुत्री को दे दो ये आजादी, सात फेर लेकर ताप्ती कर ले मुझसे शादी। सूर्य देव बोले, मुझको बात पता है सारी, गुरु वशिष्ठ के हाथ कराओ शादी की तैयारी। सबकी राजी मर्जी से फिर पूरण काज हुए। राजा संवरण और ताप्ती एक दूजे के हुए। तीनों लोक में छाई महिमा, अरे तीनों लोक में छाई महिमा, ताप्ती माँ के नाम की महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। सभी देवों और ब्राह्मणों ने संवरण और माँ ताप्ती को आशीर्वाद दिया। शादी के कुछ अंतराल बाद ताप्ती जी ने एक पुत्र को जन्म दिया और अपने पुत्र का मुंह देखकर संवरण श्राप मुक्त हुए और अपने वरुण देव स्थान को प्राप्त हुए। ताप्ती जी ने अपने पुत्र का नाम कुरु रखा और राजबाग डोर अपने पुत्र के हवाले सौंप वो भी अपने स्थान चली गयी। फिर जिस जगह ताप्ती जी के पुत्र गुरु ने तप किया था, आगे चलकर वह कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। राजा कुरु पांडवों और कौरवों के पितामह बने। राजा जन्मेजय के सर्प विनाशी यज्ञ से धर्म हानि हुई, जिसका निवारण भी ताप्ती माँ के चरणों पर हुआ। माँ ताप्ती सर्पों के निवेदन पर उन पर विराजमान हो गए। आओ सुनो